गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, डेट इज बायोडाइवर्सिटी. स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, उन्होंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड हैबिटेट फाउंड इन ए डेफिनेट एरिया. उन्होंने कहा कि अलग अलग लाइफ फॉर्म अलग अलग हैबिटेट में लाइव करती हैं, वो रहती हैं. ठीक है, इट रिप्रेजेंट द टोटली ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ ए गिवन रीजन. ये इन्होंने कहा कि वो टोटली अपने जो उनका रीज़न होता है कि वो किस जीन्स की हैं, कौन सी स्पीसीज हैं, कौन सा इकोसिस्टम है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी होती है. क्लियर? अब कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इंक्लूड थ्री इंटर रिलेटेड हायरार्कियल लेवल, जिसमें से हम बोलते हैं कि फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. क्लियर? जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है बच्चों? द जेनेटिक वेरिएशन एग्जिस्ट विद इन ए स्पीसीज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. कह रहा है कि हर सेल्स होते हैं, हर सेल्स के पास अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, तो उस स्पीसीज की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो क्या कर रही हैं? वो जीन को स्पेसिफाई कर रही हैं. ठीक है, ये जो यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से अपने लाइफ में एग्जिट करेगा. ठीक है, एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, क्लियर? अब ये कह रहे हैं द वेरिएशन में भी इन अलील्स में हो सकता है, टोटल जीन में हो सकता है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स में हो सकता है. क्लियर हुआ? नंबर ऑफ जीन्स इन द फॉलोइंग, जैसे माइकोप्लाज्मा में 450 से 700 तक जीन होते हैं. ई इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई में 4000 के अकॉर्डिंग हो सकते हैं. ड्रोसोफिला मेलेनिस्टर में 13000 जीन पाए जाते हैं. ओरिजिस सेटिविया में, ओरिजिस सेटिविया होती है आपकी वेजिटेबल, दैट इज लेडी फिंगर. ठीक है, इसमें 32000 से 50000 तक हो सकते हैं. और होमोस्पेसियंस में 35000 से लेके 45000 तक जीन्स मिलते हैं. तो जीन्स से आपको क्या मिला कि हर स्पीसीज में वेरी करते हैं, ये स्पीसीज जो स्पीसीज वेरी करते हैं. क्लियर? अब आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी. द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, जो स्पीसीज लेवल पर होती है उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहा जाता है. एग्जाम्पल, द वेस्टर्न घाट हैव द ग्रेट एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट. जो इंडिया में दो घाट हैं, वन इज द वेस्टर्न घाट, सेकेंड इज द ईस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट्स पर एम्फीबियन स्पीसीज ज़्यादा मिलती हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट. द स्पीसीज डाइवर्सिटी डिपेंड अपॉन द नंबर एंड रिचनेस ऑफ द स्पीसीज ऑफ ए रीजन. इसमें क्या होता है बच्चों? स्पीसीज रिचनेस द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, उसको तो बोल दिया इन्होंने रिचनेस. और स्पीसीज इवननेस क्या होती है कि इवननेस होती है रिलेटिवली नंबर, एक पर्टिकुलर एरिया में से आप रेंडमली स्पीसीज को कलेक्ट करते हो और एक रिलेटिव नंबर निकालते हो, उसको बोलते हैं स्पीसीज इवननेस. ठीक है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी रिचनेस पे डिपेंड करती है, इवननेस सिर्फ एक रिलेटिव मेथड होता है. क्लियर हुआ? अब कह रहा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. द डाइवर्सिटी एट द इको सिस्टम लेवल इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. एग्जाम्पल, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, स्टेरिस एंड अल्पाइन, ये सारे वो रीजन्स हैं जहाँ पर आपको इकोलॉजी
इकोसिस्टम नज़र आता है, इकोलॉजिकल्स नज़र आते हैं, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनका बायोडाइवर्सिटी का जो स्टेबलाइजमेंट है वो कैसे होता है। जैसे कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने 2004 में रिपोर्ट किया था कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज मोर देन 1.5 मिलियन प्रेजेंट। ठीक है, और रॉबर्ट में एस्टिमेटेड डेट ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एट अबाउट 7 मिलियन। ठीक है, कि पूरे ग्लोबल में 7 मिलियन स्पीसीज है एंड मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल एंड प्लांट इंक्लूडिंग एल्की, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये सारी हमने क्या कर ली है, रिकॉर्ड में ले आए। अब ये कह रहा है अमंग एनिमल इंसेक्ट आर मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ टोटल। कह रहे हैं कि 10 एनिमल में से प्लेनेट में हमारे पास 7 इंसेक्ट्स मिलते हैं, तो इंसेक्ट्स का रेशियो ज़्यादा है। एंड नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कम्बिनेशन कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल। ठीक है, इनकी भी फंजाई की जो स्पीसीज हैं वो इनके कंपेयर में ज़्यादा है। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया बट शेयर 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को ये रखता है। इंडिया के पास भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है। इंडिया इज़ द वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हम 12 मेगा कंट्रियों में से हमारा भी एक देश का नाम आता है, हमारे पास भी काफ़ी सारे डाइवर्सिटी है। आगे का हम बच्चों ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।